सो गाइस देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मार्केट। आज है धनतेरस तो उसी का शॉपिंग करने हम रिया और मेरी बेटी। देखिए इसको भी मार्केट घूमने बहुत अच्छा लगता है। मतलब दो दिन से मार्केट ही मार्केट जा रही है। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए और हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलो। और तुम मेरे फेस पे लगा दे पूरा। हाँ लगा दो। तो मौसी तो लगाई नहीं। कहाँ लिखा है, किस पेज में लिखा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीना राज पे। तो हैप्पी धनतेरस। आज हम लोग धनतेरस मना रहे हैं। आज है 23 हाँ, और हम लोग आज ही धनतेरस मना रहे हैं। और देखिए हम लोग मार्केट में आ गए हैं और आज संडे भी है तो आज संडे मार्केट भी लगा। जैसे मैंने पिछला ब्लॉग शेयर किया था संडे मार्केट का, अगर किसने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाके देखिएगा संडे ब्लॉग कैसा रहता है। यहाँ पे संडे का हर चीज़ में मार्केट लगता है। और वैसे आज दिवाली एंड धनतेरस है तो और भी अच्छा मार्केट एकदम सजा हुआ था। जैसे लग रहा था कि मतलब हम कहाँ आ गए, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो देखिए यहाँ पर हम लेने आए हैं, मतलब जैसे धनतेरस के दिन कुछ सोना चांदी लेना अच्छा होता है तो मैं यहीं पे देख रही थी। देखिए आप लोग और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। जितना हो सके शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और यहाँ चिकी खेल रही है देखिए, और इसको भी मतलब दो दिन से कंटिन्यू मार्केट ले जा रहे हैं। इसको भी अच्छा लगता है, बट आज ये मार्केट में थोड़ा परेशान हो गई थी, रो रही थी। इसको अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, मुझे नहीं पता, बट ये थोड़ा परेशान थी। और यहाँ पे देखिए आए हैं, यहाँ पे आके मुझे एक बात याद आ रही है गाइस। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मतलब पूरा मार्केट कर लो और इस जगह पे ना हो तो तुम्हारा मार्केट कंप्लीट नहीं होता है। मुझे ये बात अभी याद आ गई, मैं जब ब्लॉग एडिट कर रही थी, और हंसी भी आ गया मुझे। तो अगर मेरे हस्बैंड भी अब ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो उन्हें भी हंसी आ रही होगी। खैर, और यहाँ पे मैं आई हूँ, पूजा का कुछ सामान बाकी रह गया था तो वही मैं लेने आई हूँ, मम्मी ने मुझे दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ, लिस्ट दे दिया है मैंने, अब वो यहाँ पे ले लेंगे। और चिकी देखिए परेशान हो गया गाइस, ये थोड़ा पता नहीं क्यों परेशान थी, इसको शायद अच्छा नहीं लग रहा था, नींद लग रहा था। मैं दोपहर में ही आज मार्केट चली गई थी इस वजह से। और मैं दिया ले रही थी गाइस। वैसे मम्मी पापा मॉर्निंग में मार्केट आए हुए थे बट वो शायद घर पर गई तो कम हो गया, फ़ोन की थी तो मैंने वही यहाँ पर थोड़ा 5 दिया कम हो रहा था तो मैं वही यहाँ पर ले रही हूँ बड़ा वाला। देखिए आप लोग किसके किसके घर शॉपिंग हो चुका है दिवाली का कंप्लीट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए आप लोग, तो गाइस अब मैं मार्केट से आ गई हूँ। जैसा आप लोगों को देख के लग रहा होगा मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि आज मार्केट में थोड़ा परेशान कर रही थी, पता नहीं क्यों, इसीलिए अच्छे से बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों जाते ही वो रोने लगी गाइस, तो वो उसको आते के साथ मैंने फिट कराया, फिर वो सो गई। और फिर मैं छत पर आ गई कपड़ा लेने के लिए। देखिए सबका कपड़ा उठ चुका है, देखिए सिर्फ मेरा है, सारा तार से सबका कपड़ा हो गया, बस मैंने अपना कपड़ा नहीं लिया, सो वही लेने आई हूँ। तो देखिए, देखा आप लोग ने हम लोग ने मार्केट में क्या क्या लिया। मैं अभी नीचे जाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। बस जल्दी से आई हूँ, वो सो गई है तो मैं सोची छत से कपड़ा लेके चली आती हूँ, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। वैसे मम्मी तो सुबह में मार्केट गई हुई थी बट उन्होंने आधा से अधिक सामान लेके आ गया था, कुछ कुछ रह गया था, तो फिर मैं और मेरी बहन और चिकी गई थी लाने के लिए। तो चलिए कपड़ा ले लेते हैं फिर नीचे जाते हैं, तो आप लोग से बातें करते हैं और फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से मैं। तो चलिए ये मैंने सारा कपड़ा ले लिया है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो चलिए
और इसको देखिए कितना प्यारा है ना। ये हम लोग के कैंपस में ही एक आंटी का है, मतलब यहाँ पे देखिए वो बैठी है, इसका ही खरगोश है, छत पे लेके आई थी इसको, मतलब हम हमारे ही बिल्डिंग में रहते लोग। बहुत ही क्यूट लग रहा था, दो ठो है देखिए, एक उसके अंदर है और ये बाहर, शायद दोनों झगड़ा लड़ाई करने थी इसलिए एक अंदर ही वो रख दी है और इसको एक बाहर खेल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया। इतना अंधेरा रहता है नीचे बहुत ज़्यादा, हम लोग सबसे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। रिया खोलो, अरे चिक्की चिक्की तुम जग गई, देखो कैसे ये जग गई, मैंने मम्मी को दे दिया था, वो पूजा में रख दी थी, तो मम्मी बोली कि अब मैं जब पूजा करूंगी तो निकालूंगी तब तुम दिखा देना। तो सॉरी गाइस, मैं नहीं दिखा पाई जो मैंने मार्केट से खरीद के लाया था धनतेरस के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टाटा।